अतीक अहमद का बेहद करीबी गुर्गा असाद कालिया और उसका भाई फैजान हुआ गिरफ्तार। असाद पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम किया था घोषित। असद और गुलाम आज होंगे सुपुत्र एक खाक, दोनों की लाश को लेकर सीधे कब्रिस्तान पहुंचेगी पुलिस। होटल में थूक लगाकर रोटी बनाते हुए वीडियो हुआ वायरल, हिंदू जागरण मंच ने कहा युवक को करे गिरफ्तार। सेंट्रल जेल से पाकिस्तानी आतंकियों को भगाने की फिराक, चिकित्सक आगरा जेलर ने लगाए गंभीर आरोप। श्रावस्ती में बड़ा सड़क हादसा, इनोवा कार पेड़ से टकराई, 6 की मौत और 8 हुए घायल। कानपुर अशोक के बंगले में हुआ हादसा, तेजी से कार बैक करते समय सिक्योरिटी गार्ड की दबकर हुई मौत। असद के दफनाए जाने के बाद प्रयागराज में बड़ा तनाव, प्रशासन की पैनी नजर, कब्रिस्तान के बाहर पुलिस अब भी तैनात। ग्रेटर नोएडा में अंबेडकर जयंती पर झांकी यात्रा में हुआ विवाद, 2 नाबालिग सहित 5 हुए गिरफ्तार। लंदन की जेसिका ने आगरा के युवक को फंसाया, फेसबुक पे की दोस्ती, व्हाट्सएप पर बातचीत कर गवाए 2,00,000 रुपए। विदेश जाने वालों की राह में रोड़ा बना कोरोना वैक्सीन, गोरखपुर में टीकाकरण के विकल्प हुए समाप्त। माफिया के 10 कारोबारियों को ईडी का समन, छापेमारी में मिली थी 1200 करोड़ की बेनामी संपत्ति। न अतीक अहमद पहुंचा न शाइस्ता, कब्रिस्तान में दादा दादी के बगल दफनाया गया असद को। 2 साल की बच्ची को कुत्ते ने नोचा, परिजन ने बच्ची को अस्पताल में किया भर्ती। अंबेडकर जयंती की शोभा यात्रा को लेकर मथुरा में बवाल, 2 गुटों चले ईट पत्थर, पुलिस फोर्स हुई तैनात। यूपी निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच लखनऊ से बड़ी खबर, 15 अप्रैल को 35 पार्षद प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी बसपा। पीलीभीत में वैन और मोटरसाइकिल की टक्कर में युवक की मौत, वैन चालक दुर्घटना स्थल पर, गाड़ी छोड़ हुआ फरार। नोएडा में मैट्रिमोनियल साइट पर एमबीए पास, कभी इंजीनियर तो कभी डॉक्टर बनकर युवतियों से करता था ठगी। बहुत परिपथ कार के अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने के गड्ढे में गिरने से 6 लोगों की मौत, 8 हुए घायल। यूपी के मेरठ में मंडी क्लर्क ने दहेज नहीं मिला तो पत्नी को फांसी पर लटकाकर मार दिया। मेरठ में मिली 2.5 साल की बच्ची की डेड बॉडी, 1 दिन पहले घर से गायब हुई थी, खेत में मिली लाश।